ये अम्मन मंदिर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना करने पहुंचे। पूरी श्रद्धा के साथ अम्मन मंदिर में उन्होंने ईश्वर की प्रतिमा के दर्शन किए, आरती की और ईश्वर का भोग स्वीकार किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब कुछ दिन कन्याकुमारी में ही रहकर ध्यान योग करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अम्मन मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी के प्रसिद्ध विवेकानंद रॉक मेमोरियल में दर्शन और पूजा अर्चना करते हुए। ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि खास बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी कन्याकुमारी में उसी स्थान पर ध्यान लगाने जा रहे हैं जहां देश भर का दौरा करने के बाद स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था और विकसित भारत का सपना देखा था। और इससे पहले उन्होंने जो है ये दृश्य, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां उन्होंने दर्शन किए, पूजा अर्चना की, और ये ही प्रधानमंत्री की विशिष्ट शैली जिसमें विकास आध्यात्म साथ साथ। तो ये दृश्य कन्याकुमारी के प्रसिद्ध विवेकानंद रॉक मेमोरियल के, जहां पर प्रधानमंत्री ने दर्शन किए, पूजा अर्चना की, और इससे पहले प्रसिद्ध श्री भगवती अम्मन मंदिर में भी उन्होंने पूजा अर्चना की। तो संस्कृति और विकास कैसे चल सकते हैं साथ साथ, ये प्रधानमंत्री अपने व्यवहार से लगातार बताते हैं, अपनी जीवन शैली में उसे उतारते हैं। और उसी की एक झांकी यहां भी दिखाई देती है जब प्रधानमंत्री कड़े प्रचार अभियान के बाद यहां पर दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं। ये दृश्य उस समय के जब प्रधानमंत्री ने दर्शन किए और पूजा अर्चना की। कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दर्शन किए हैं, पूजा अर्चना की है, और ये बेहद ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व का स्थान है जहां पर प्रधानमंत्री ने दर्शन किए हैं, पूजा अर्चना की है। और इससे पहले वो प्रसिद्ध श्री भगवती अम्मन
मंदिर में भी गए और वहां पर भी उन्होंने पूजा अर्चना की। और ये स्थान इसलिए भी खास है क्योंकि इसका ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्व है और ये हमारी जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है उससे जुड़ा हुआ है। ये विकसित भारत के संकल्प का प्रतीक है और उसी प्रतीक पर जाकर प्रधानमंत्री ने दर्शन किए, पूजा अर्चना की। तो संस्कृति, आध्यात्म और विकास कैसे चल सकता है साथ साथ, ये प्रधानमंत्री दिखाते हैं अपनी जीवन शैली में। इसे उतारकर एक मिसाल इसे कहा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कन्याकुमारी के प्रसिद्ध विवेकानंद रॉक मेमोरियल में दर्शन और पूजा की। इससे पहले उन्होंने प्रसिद्ध श्री भगवती अम्मन मंदिर में भी पूजा अर्चना की। देश की जो परंपरा है, गौरवशाली परंपरा है, हमारी जो संस्कृति है वो किस तरह से विकास में एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। जहां पर हम अध्यात्म की भी बात करते हैं, हम अपनी संस्कृति के गौरवशाली विकास की भी बात करते हैं और आधुनिक क्षेत्र में भी आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी के प्रसिद्ध विवेकानंद रॉक मेमोरियल में दर्शन करते हुए पूजन अर्चन करते हुए। बेहद व्यस्त चुनाव प्रचार के कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में पूजन अर्चन करते हुए दर्शन करते हुए।